वोटों की गिनती को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। हालांकि ईवीएम ने वोटों की काउंटिंग को काफी हद तक आसान बना दिया, लेकिन ईवीएम मशीन में पड़े वोटों के परिणाम को वीवीपैट सिस्टम के परिणाम से भी कंपेयर किया जाता है। ऐसे में मन में बड़ा सवाल आता है कि अगर दोनों के आंकड़ों में अंतर आए तो ईवीएम और वीवीपैट में से किसे सही माना जाएगा। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। साल 2013 से मतदान के प्रोसेस में वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को जोड़ दिया गया। वीवीपैट सिस्टम में ईवीएम में वोट देने के बाद उस उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह वाली एक पेपर स्लिप तैयार होती है। इससे मतदान में पारदर्शिता बढ़ती है, तय होता है कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसे वोट मिला या नहीं। इससे चुनाव प्रणाली में मतदाताओं का विश्वास मजबूत होता है। गिनती के समय वीवीपैट पर्ची और उससे संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम का मिलान किया जाता है। परिणामों के मिलान प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर सकता है। अक्सर वीवीपैट पर्चियों और उसके संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम समान होते हैं, लेकिन इन परिणामों में अंतर हो तब क्या होता है? ऐसे मामलों में वीवीपैट की पर्चियों के परिणाम को अंतिम माना जाता है। वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन मतगणना हॉल में एक सुरक्षित वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर किया जाता है। इस बूथ में केवल अधिकृत कर्मियों को आने की अनुमति होती है। इस तरह वीवीपैट की संख्या पर अंतिम मोहर लगती है।